नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी आर एजुकेशन में। आज हम बात करें जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम लगा था ग्रुप बी में जीके का, उसके आंसर की के बारे में, ऑफिशियल आंसर की, ऑफिशियल पेपर के साथ विथ मिलाकर आपको एक एक क्वेश्चन का देखने को मिलेगा इस कंप्लीट वीडियो में, जिससे आपको पेपर इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है और अपने पेपर के द्वारा आप मिला सकोगे कम्प्लीटली। आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बता दिया जाएगा, क्वेश्चनों से भी मिला सकोगे। ये वीडियो मुझे बनाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी बना रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा हुई तो हर एक सब्जेक्ट का इसी तरीके से वीडियो बना दूंगा, आप कॉमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपको चाहिए तो इसी तरीके की सभी सब्जेक्ट की वीडियो बना दूंगा मैं। पहले मैंने जीके का बनाने की सोची तो जीके का हम बना रहे, ओरिजिनल पेपर है ये, देख सकते हो। 6 तारीख को पेपर लगा था, 6 जनवरी को ग्रुप बी जीके का, उसकी आंसर की यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो। इसमें हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, के पास बेल आइकन है वो जरूर दबा लेना। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट होगा, देख सकते हो अमरकाश, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 है, इसका बिल्कुल सही आंसर था। दूसरा क्वेश्चन आपका था प्राचीन भारत काल का कालखंड, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप अपने पेपर में आराम से मिला लेना। दूसरे नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका, मौर्यकालीन। यहाँ पर देखो आंसर दिए गए, आप देख सकते हो यहाँ मैंने आंसर की दिखा रखी है, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की है और ऑफिशियल आंसर की के द्वारा ही हम यहाँ पर आंसरों का अंदाजा वो निकाल पा रहे हैं। तो आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा महाविहार संबंध में ये क्वेश्चन था, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका है वो बताओ 3 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 होगा, ए और बी दोनों खतन दोनों हैं इसमें, ए और बी दोनों, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें अपने देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन हमने देखा था, 3 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पर 4 नंबर ये क्वेश्चन है शैलेंद्र वंश वाला, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 होगा, पनंगकरण हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप 5 नंबर देख सकते हो, क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, मानसूर आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, पढ़ लेना क्वेश्चन और मिलान कर लेना, वीडियो को रोक के आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसमें, सॉरी 1 हो, ए बी सी डी इसमें राइट हो जाएगा। अपना उत्तर निम्न कर्मों में चुनना था, ए बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी हाँ 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे है, तो 6 नंबर यहाँ पर भी आप मिलान कर सकते हो। यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसके ऑप्शन नंबर 2 होगा, 1847 इसका राइट है वो हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा, देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा, ए बी डी। और क्वेश्चन आप मिला सकते हो, हिंदुस्तान रिपब्लिक वाला क्वेश्चन था आपका। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में 36 जो खतर पूछा है उसमें राजा राम मोहन राय वाला, तो 8 नंबर क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका बता दूं राइट आंसर, 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वुड का डिस्फेंस, ये क्वेश्चन देख सकते हो 9 नंबर का आपका था, आपके पेपर में आप मिला सकते हो इसी आंसर की के द्वारा। 10 नंबर का क्वेश्चन खतन पूछे गए थे, दो उन खतरों के आधार पर इसका आंसर था 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर, तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर 2 राइट होगा, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो 10 नंबर का इसमें यह राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो, 11 नंबर क्वेश्चन था इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, कैप्टन सोवर्स। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था इसके अंदर समाचार पत्र वाला भी, जिस इसका तो ऑप्शन नंबर 1 था, राजस्थान केसरी। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आप यहां पर देख पा रहे होंगे, 13 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोहम्मद साकी खुलासा उत तवारी की, इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है तो आप देख सकते हो इसको, 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर भी ऑप्शन नंबर है वो 2 राइट होगा, दान तथा धर्म संबंधी मामले। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर भी आप ऑप्शन नंबर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर इसके अंदर 2 राइट हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 में 2 हो जाएगा, निशांत बाग अकबर जो सुमेलित नहीं ये पूछा था, ये गलत है, ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन संख्या यहाँ पर पूछी थी, आप देख सकते हो मेथ की संख्या यहाँ पर पूछी गई थी 16 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, 140 इसके अंदर राइट था। फिर 17 नंबर एक कॉलोनी की नोकिया सोनी मोटरोला नामक 3 ब्रांड से संबंधित क्वेश्चन था रीजनिंग का, तो 17 नंबर क्वेश्चन था। 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 117 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चन की ओर। 118 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो, 118 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, इसके अंदर 34 बिल्कुल राइट आंसर। फिर चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर।
यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर आपका 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1/4 कॉस्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आगे चलते हैं, फिर 20 नंबर क्वेश्चन था आपके बीच में, 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, देख सकते हो आपके सामने आंसर इसका। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर वाई दिया हुआ है तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका है वो 40 इसका राइट हो जाएगा, ज्योग्राफी वाला आया था। अरे ये चित्र यहाँ पर दिया हुआ है वर्गाकार, तो आगे चलते हैं, देख लिया होगा चार्ट के आधार पर ऑप्शन नंबर 1 राइट है, 40 हो जाए। आगे चलते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 22 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर आपका देख सकते हो इसके अंदर 2 हो जाएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन भी आराम से, 23 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर, 23 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जेड कॉस्टिंग में एक्स प्लस 2 वाई। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन भी मिलान कर सकते हो आप, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया है देख सकते हो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका ऑप्शन नंबर 9:3:1 हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें 26 नंबर क्वेश्चन के अंदर चलते हैं तो 26 के अंदर देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा 1+1 इसका हो जाएगा बिल्कुल, और फिर कार प्रत्यय निराकार इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में आपने देख लिया होगा 26-27 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 28 नंबर था सुकृति, सुकृति का दुष्कृति, 28 नंबर में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 29 इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो 29 नंबर क्वेश्चन इसमें ऑप्शन होगा पृष्ठभूमि, यह आ जाएगा। आगे चलते हैं अशुद्ध शब्द वाला, फिर 30 नंबर का था तो 30 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर इसका 3 रखा गया स्थगित करना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 हो गए, आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं अपने, तो 31 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मच इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सा। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 33 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फिर क्वालिटी हो जाएगा। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में, 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड टू गो सो सन हो जाएगा। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो, 35 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अल्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर जो आपके सामने है, 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है तो 36 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन 1 हो जाएगा, 66.11% इसका राइट आंसर है, 2011 के अनुसार सक्षरता की दर। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 37 नंबर, यहाँ पर भी थोड़ा मिलान करना जरूरी है, कुछ गलत ना बताया जाए आपको। 37 नंबर 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मॉरिशस, और 38 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, छात्रों का स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर इस देख सकते हो 3 सितंबर को चवंग कोई है तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, अंजुम मोदगिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, गगन यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की ओर, ऑप्शन नंबर इसमें देख सकते हो, इसमें ऑप्शन नंबर आपका 41 नंबर क्वेश्चन में 1 हो जाएगा, सितंबर 2018 पूछा गया था, वर्ष 2018 राजस्थान किस महीने को पोषण का मास कहा जाता है, सितंबर को। फिर भारतीय रेलवे के लिए 2018 स्वच्छता सर्वेक्षण वाला क्वेश्चन था, इसमें भी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मारवाड़। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर, 43 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर, इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, देहरादून तथा दिल्ली। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ममता कालिया। आगे चलते हैं फिर 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 45 नंबर में चलते हैं तो 45 नंबर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका देख सकते हो 45 नंबर में ऑप्शन 1 हो जाएगा, अमरावती आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 13, इसमें 52 जी चिल मोलों की संख्या पूछी तो 13 होती है। आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 47 नंबर जो क्वेश्चन था आपका, 47 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1 राइट हो जाएगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन आपका आपके सामने, तो 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 का द्रव्यमान 2m तथा चाल 3v। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 49 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं 50 क्वेश्चन की ओर, 50 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर इसमें देख सकते हो, मानव कोशिका गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 होती है। फिर भारतीय संविधान अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है संसदीय प्रणाली से,
तो सबकी क्या उन क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, एकदम एक क्वेश्चन भी गलत देखना क्योंकि एकदम बिल्कुल ऑफिशियल आंसर किए। 52 नंबर क्वेश्चन दिए 3 आधार जिस पर संविधान के अनुच्छेद 352 के दिन आपद के, तो 52 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन एक होगा आपका आंतरिक अशांति। फिर 53 है संघ की मंत्री सामूहिक रूप में उत्तरदायी होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लोकसभा के प्रति। फिर 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने संसद, देख सकते हो 54 में संसद में राजस्थान में कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 54 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है, 35 आपका सही था माना है आरपीसी ने। 55 नंबर न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष में हुआ था, 55 नंबर क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर 4 हुआ 1999 में। फिर 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन में आपका देख सकते हो यहाँ पर निम्नलिखित राजस्थान में किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है, तो बीकानेर की बताई गई 2 नंबर ऑप्शन। फिर है कोपेन वर्गीकरण क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 बूंदी में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 4 है वो आरपीसी ने माना सीतावन। फिर चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर, 58 नंबर क्वेश्चन की ओर अपने चलते हैं और क्वेश्चन इसके देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को कंप्लीट। ऑप्शन नंबर इसमें 4 होगा जैसलमेर बाड़मेर एवं बीकानेर, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। फिर 59 नंबर क्वेश्चन पूछा था इनसे कौन सी फसल माउट से संभावित हो, तो कपास की ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 60 नंबर में तो सुमेलित कीजिए और नीचे देखिए कुटों के आधार पर इसका उत्तर चुनना है, तो ऑप्शन नंबर बता दें इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। A3 नंबर से मिलाया गया है और B को है वो 1 नंबर से यहाँ पर मिलाया गया है और C को 4 नंबर से मिलाया गया है और D को 2 नंबर से, ये इसका मिलान सही क्रम है, तो आप देख सकते हो इसका सही मिलान का क्रम। सॉरी 60 क्वेश्चन हो गए थे अपने, अब 61 की ओर चलते हैं, 61 क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने यहाँ पर, 61 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो कम्प्लीटली, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सहयोग समानता लचीलापन और साझा और उत्तरदायित्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे है, तो 62 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट होगा, सभी विकल्प सही हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन है तो देख सकते हो यहाँ 63 सर्वशिक्षा अभियान 6 से 12 वाला आयु था, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 2010, यहाँ पर 2010 इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन के अंदर। आगे चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर, 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कुछ कूट स्पष्ट काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया था, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा 1 2 5 4, इसका राइट आंसर सही तार्किक था इसके अंदर ये था। आगे चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर, 65 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो वार्षिक प्रक्रिया में शैक्षणिक वाला पूछा था, तो 65 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका ऑप्शन नंबर है इसके अंदर आपका 4 वो बिल्कुल हो जाएगा आंकड़ों का एकीकरण ऑप्शन नंबर, और आंकड़ों की प्रक्रिया और आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का लेखन ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 66 नंबर क्वेश्चन, तो 66 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर से दिखाते हो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, एक शिक्षण प्रणाली का विश्लेषण करना, 63 नंबर क्या राइट हो जाएगा इसका, तो 66 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा एक शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना। आगे चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्तें हैं। आगे चलते हैं फिर 68 नंबर, पहले आंसर की हम बहुत आई होगी उनमें कुछ गलत कुछ सही थी, एकदम प्रूफली आंसर की एकदम अच्छी आंसर की आपको, इसमें कोई गलत वाला बात ही नहीं है क्योंकि ऑफिशियल है ये। 4 नंबर और इसका राइट आंसर देखो 68 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर मिलान कर सकते हो, 69 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा 3 अगस्त 2011, और 70 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप मिलान कर सकते हो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा दिल्ली। और आगे चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन और मिलवा देते हैं आपको, 71 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 होगा 2004 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चन और बचे हैं तो देख लेते हैं, 4 क्वेश्चनों को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं अपने, तो देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर आप ऑप्शन देख सकते हो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी, तो क्वेश्चन देख सकते हो निःशुल्क अनिवार्य वाला था। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा देख लिया क्वेश्चन तो आपने, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित लागू करना। आगे चलते हैं 74 नंबर, यहाँ पर निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा वाला था, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शैक्षणिक कैलेंडर
का विनिश्चय करना। आगे लास्ट क्वेश्चन आपका था, 75 निम्नलिखित में कौन से राज्य में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 पंजाब। ये कंप्लीट 75 क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन जरूर दबाना। अगर आप इन जो आज जारी हुए हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, अदर सब्जेक्ट अभी है, अगर उनकी भी आपको आंसर की इसी तरीके से चाहिए तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।